हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सक्सेस कोचिंग सेंटर उदयपुर। एक बार फिर बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बच्चों लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत सारे बच्चों के जैसे जो है क्वार्टरली एग्जाम चल रहे होंगे, किसी के हाफ फेली होंगे, किसी के हाफ फेली हो गए होंगे और वो अब एनुअल की प्लानिंग कर रहा होगा, किसी के हाफ फेली जो है होने वाले हैं। बिकॉज अलग अलग बोर्ड सेंट्रल के जो होता है, हर स्कूल का अलग अलग पैटर्न चलता है और स्टेट बोर्ड का भी अपना अलग अलग पैटर्न चलता है। लेकिन मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो मेनली है उन बच्चों के लिए जो इस बार 12th बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं और जो कॉमर्स के बच्चे हैं। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कैसे आप हाफ ईयरली से फाइनल एग्जाम के अंदर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ साथ में आपको क्या पढ़ाई करनी है। तो आज मैं आपको बताऊँ, लेकिन वहां पर भी एक सबसे बड़ी चीज थी सर आपको पढ़ना कैसे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे सर आपने पढ़ना क्या क्या है वो तो आपने बता दिया, लेकिन पढ़ना कैसे है, कैसे हम हमारी प्लानिंग बनाए ताकि हम हमारा कोर्स टाइमली कर सकें और 12th के साथ साथ हमारी प्लानिंग है, हम CUET का आगे एग्जाम दे रहे हैं और हमें उनकी भी तैयारी करनी, तो कैसे हम टाइम निकालें, कैसे हम लोग तैयारी करें ताकि हम लोगों का जो आने वाला रिजल्ट है वो बेटर हो सके। तो आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ 12th क्लास के स्टूडेंट कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या क्या चीजें करनी है और कैसे डे वाइज जो है वो मैं प्लानिंग दूंगा, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका कोर्स भी हो जाएगा और साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत जो समय है वो CUET एग्जाम के लिए भी जो है वो आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी फर्स्ट टाइमर है, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई नई वीडियोस और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ताकि इस इंफॉर्मेशन से आपको चूक नहीं हो और उसी के बेस पर आप अपना आगे की प्लानिंग को भी तैयार कर सके। तो चलिए मैं आप शुरू करता हूँ कि कैसे आप लोग डे वाइज अपनी पढ़ाई को जो है वो प्लान कर सकते हो और टाइमली आप अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो और आप आने वाले एग्जाम को फोड़ सकते हो। तो यही चीज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। मेरी आज जो प्लानिंग होगी वो मैं आपको 45 डेज की प्लानिंग दूंगा कि कैसे आप 45 दिन के अंदर आप अकाउंटेंसी का और बिजनेस स्टडी का कोर्स आप फिनिश करेंगे और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स का जो है आपका टाइम या इकोनॉमिक्स का जो आपका जो कोर्स है उसको कैसे आप 45 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज मेरा मेनली बात होगी कैसे आप अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी का कोर्स जो है वो 45 डेज के अंदर जो है वो फिनिश कर सकते हो। वैसे बच्चों आपको बताया कि मैं अकाउंट्स, इको, बिजनेस तीनों सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है और साथ साथ में एक थियरी सब्जेक्ट लिया है जो बिजनेस है, जो कोर्स भी शॉर्ट है और आप इजीली उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ये जो मेरी वीडियो रही वो रही क्लास 12th, जिनके 15 फेब के बाद स्टार्ट एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरी जो रहेगी वो रहेगी 45 डेज प्लानिंग कि कैसे आप 45 डेज के अंदर आप सब चीजें कवर भी कर जाओगे और तैयारी भी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंटली आप रहोगे और आप कर सकते हो। तो जब 45 डेज की हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, हम लोग उस पर बात करें, ठीक है। कैसे पढ़ना, कैसे हम लोगों को क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है हमारे कोर्स को, किस तरह से हमें हमारी प्रिपरेशन को करना है, वो चीजें हमको देखनी है। तो सबसे पहले बच्चों, जिस दिन बच्चों का बोर्ड का टारगेट है, बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, साथ में CUET के एग्जाम को भी क्रैक करना है ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, बोर्ड जो मैं प्लानिंग देने वाला हूँ उसके अंदर आपको बोर्ड के लिए भी आपको अच्छे समय मिल जाएगा और साथ साथ में CUET के लिए भी आपको प्लानिंग मिल जाएगी। क्योंकि अब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 3rd October और मैं प्लानिंग दे रहा हूँ आपको 5th October से, यानी कि अभी 2 दिन का टाइम है। तो आप अपने लेवल पर सेटल हो जाए, आप अपने लेवल पर इस चीज को एनालिसिस करें कि क्या करना है आपको, और CUET का जब बोर्ड का आपको एग्जाम्स किया पर मैं अब आपको प्लानिंग दे रहा हूँ, इसका मतलब सब चीजें साथ साथ आपको करनी पड़ेगी, अलग से आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। और इसी दौरान जब 45 डेज के बाद लगभग आपको 15 दिन और मिलेंगे, उस 15 दिनों के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर आपको CUET की तैयारी भी करनी, क्योंकि वहां पर
ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, जिसको भी आपको अच्छे से करना है। और उसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप अकाउंट्स का पेपर या जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अंदर आप इजीली उस चीज को क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने कंसेप्ट के ऊपर जो है वो फोकस करने की जरूरत है। तो कैसे आप करेंगे, बोर्ड या सीयूटी की बात करें, बोर्ड के अंदर सबसे पहले तो आपको करनी है आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो आपकी ऑलरेडी चल रही, कहीं पर एनसीईआरटी चल रही है तो कहीं पर ग्रेवाल की बुक चल रही, कहीं पर गोयल की चल रही, वो बुक आपको जो है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको पास्ट ईयर पीवाईक्यूज जो है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन से वो आपको सॉल्व करना है, और वो भी साथ साथ में ही करने, अलग से अपने को टाइम मिलने वाला नहीं है। और तीसरा जो आएगा वो आएगा अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कहां से मिलेंगे, या तो आपने स्कूल टीचर्स को अदर रेफरेंस बुक के अंदर से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक मार्क करवाएं। अगर आप कोई कोचिंग जा रहे हैं तो वहां के टीचर को आप बोल सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पर भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बुक का पढ़ाता हूँ, बुक का मैं टेस्ट भी लेता हूँ, साथ साथ में अदर बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उनको कराता हूँ, ताकि ओवरऑल उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और उन बच्चों का डेवलपमेंट हो जाए, ताकि वो एग्जाम के अंदर ये फील नहीं करे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, इस टाइप का तो हमें आता ही नहीं था, हम कैसे करें। वो सब चीजें यहाँ पर हमको ध्यान में रखनी है। तो जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन की बात करेंगे तो आप अपनी टेस्ट बुक जो है वो आपको क्लियर करनी है, उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो भी आपको करने हैं, और साथ में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रेस्पेक्टिव टीचर से आपको लेके और आपको क्लियर करना है। और फाइनली जो आएगा वो आएगा आपका इवैल्यूएशन, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी टेस्ट सीरीज। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आपका इवैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है, आप किस लेवल पे हो आप और कहां हम आगे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए जहां पर भी आपके टेस्ट हो रहे हैं या जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, आपके स्कूल के अंदर हो रहे हैं, आपकी कोचिंग के अंदर हो रहे हैं, आपके ट्यूशन पे हो रहे हैं, उन सभी को आपको अटेंड करना है। इसी से पता चलेगा आपको और कितने एफर्ट्स लगाने हैं। जैसे मेरे यहाँ पर हम लोग एवरी वीक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद साथ हमारी फैब के अंदर पूरी टेस्ट सीरीज चलती है, ताकि आपकी प्लानिंग या आपकी प्रिपरेशन जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम लोग टाइम टेबल देते हैं, टाइम टेबल के बाद बच्चों की प्रॉब्लम क्लास रहती है, फिर वो जो टेस्ट है उसको अटेंड करते हैं, उसके बाद भी उस पेपर को सॉल्व कराया जाता है कि कहाँ आपने कमी रही। तो मेरे हिसाब से या हमारे हिसाब से हम लोग बच्चों को बेस्ट दे देते हैं, ताकि वो अच्छे से एग्जाम के अंदर अच्छे से वो अपना पेपर सॉल्व करके आ जाए। तो ये तीन चीजें हमको ध्यान में रखनी है, टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ साथ में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, और जो भी रेफरेंस बुक आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स प्रोवाइड करें उसके थ्रू आप उसको कर सकते हो। और साथ साथ में सीयूटी, जब आप इन सब चीजों को करोगे कहीं भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उनको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और आप सीयूटी की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये देख लेना। अब आप बात करें पर कि कैसे हम लोग 45 डेज के अंदर आप जो है वो कोर्स कर सकते हो, तो यहां पर मैं आपका वो ही क्लियर करने वाला हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं डे एंड डेट, यहां आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट हो गया, और साथ साथ में आपका एक सब्जेक्ट हो गया बिजनेस स्टडी, ये दोनों सब्जेक्ट। और मैंने भी बताया था कि मैं मेरी प्लानिंग को 5th ऑफ अक्टूबर से एप्लीकेबल करूंगा, तो आप उस 5th ऑफ अक्टूबर के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग बनाएं। कि सबसे पहले बात करूं मैं 5th ऑफ अक्टूबर से लगाकर जो आपकी प्लानिंग जो होगी वो होगी आपकी शुरुआत की, हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे 5 डेज के लिए, यानी कि 1st to 5th, हाँ ये होगी 5 डेज के लिए, यानी कि 5th to 10th अक्टूबर, यस, कि 5 अक्टूबर से लगाकर आपको 10th ऑफ अक्टूबर तक आपको क्या पढ़ना है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, देन उसके बाद चेंज इन पीएसआर, एंड देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये आपको 5 डेज के अंदर जो है कंप्लीट करने, 5 अक्टूबर से लगाकर 10th अक्टूबर तक, ये चीज हमको ध्यान में, सॉरी 5th ऑफ अक्टूबर से 9th ऑफ अक्टूबर, 5, 6, 7, 8 और 9,
उसके साथ साथ आपको बीएससी के अंदर जो करना है वो आपको करना है, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर जो है 1, 2 एंड 3, चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये आपको करना है। अब ये जो 5 डेज मैंने बोले हैं शुरुआत का जो टाइम है, तो ये चैप्टर आप 5 दिन में बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये बिजनेस स्टडी के 3 चैप्टर आप जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। और अब ये 5 दिन का टारगेट, तो 5 दिन में हमको कंप्लीट करना है कैसे भी करके। जब तक आप गोल नहीं लोगे तब तक आप किसी बोलते डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो आपको ये टारगेट लेना है कि 5 दिन में मुझे ये चैप्टर जो है एनी हो मुझे कंप्लीट कर दे। उसके बाद अगर मैं बात करूं 10 अक्टूबर से लगाकर अगर मैं बात करूं यहां पर तो 19 अक्टूबर तक, दैट इज 10 डेज। इन 10 डेज के अंदर आपको क्या करना है, ये चैप्टर जो है अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट और लेंथी भी है, तो हमें थोड़ी सी स्पीड भी रखनी है, जिसमें रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर, उसके बाद आएगा आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, यस, एंड देन आएगा आपका डिसोल्यूशन। तीनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आता है इसके अंदर कंपल्सरी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ये जो है वो आपको चैप्टर इन 10 डेज के अंदर करने हैं, और साथ साथ में आपको बिजनेस स्टडी के अंदर जो चैप्टर करने हैं वो है 5, 6 एंड 7। थोड़ा प्रेशर आपको लगेगा लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रेशर के बिगैर कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती है। इवन खाना भी, जब तक आपका अगर बात तो हम अगर एग्जांपल लें राइस की, तो राइस भी तभी पकते हैं जब उस पे प्रेशर होता है। तो सेम यहाँ पर भी थोड़ा आपको प्रेशर लेना पड़ेगा और टाइमली चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अपने आगे की कोई एडिशनल जो है। इवन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फाउंडेशन भी कर रहे होंगे कि 12th के साथ मुझे सीए फाउंडेशन की तैयारी भी करनी है, तो वहां पर भी इन सब चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां जब तक आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, ये प्रेशर नहीं ले पाया, तो सीए का प्रेशर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्रेशर आपको अभी से लेना है और उसी वजह से आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, ताकि आप इजीली कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो, कहीं भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो, और आप अपना काम इजीली कर सके और अपना कोर्स भी कंप्लीट कर सके। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर 20 अक्टूबर से लगाकर अगर हम लोग बात करें यहां पर 29 अक्टूबर से, यानी कि ये भी आपका हो गया 10 डेज, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यहां पर आपको बुक जो आपकी है थर्ड बुक है उसको आपको पूरा करना है, जिसमें आगे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, देन उसके बाद आएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, और साथ में आएगा आपका रेशियो एनालिसिस, रेशियो वाला चैप्टर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ऑप्शन भी रहता है, लेकिन हमें इसको अच्छा करना है, कंसेप्ट पढ़ना, और ये आगे भी आपको सीए के फील्ड में जा रहे हो, सीएस में जा रहे हो, सीएमए में जा रहे हो, सीएटी में सब जगह ये काम आने वाले, तो इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। और इनके साथ साथ जो है वो चैप्टर आप ले सकते हो चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 बिजनेस स्टडी का। तो आप देखिए अभी तक की जो प्लानिंग है वो है 25 डेज, जिसके अंदर आपने लगभग 80% बिजनेस का कोर्स कर लिया है, और यहाँ पर भी आप देखो तो आपने 2 बुक जो है वो कंप्लीट कर ली है, यानी कि यहाँ पर भी 70-80% का काम आपने कर लिया है 25 डेज के अंदर। अब अगर हम लोग बात करें आगे 30 अक्टूबर से लगाकर यहाँ पर अपना आ जाएगा 9 नवंबर, अगर हम लोग उसकी बात करें तो ये वापस आपके 10 डेज हो जाते हैं, ठीक है। एक दो दिन ऊपर नीचे है तो आप देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैंने मेरे हिसाब से बनाया है। अब यहाँ पर देखो बीच में फेस्टिवल भी आएंगे, नवरात्रि है, दीपावली है, लेकिन जिसका गोल होता है वो सिर्फ फोकस्ड होके काम करता है, तो नहीं भटकता। अगर आपका टारगेट है और रिलीजियसली अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप सब चीजें टाइमली विदाउट एनी प्रेशर आप कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है अगर आपको सब चीजें एक साथ चाहिए तो नहीं पॉसिबल है, आपको फोकस करना पड़ेगा एक चीज पे और उसको आपको टाइमली फिनिश करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं 30 अक्टूबर से लगाकर
9 नवंबर तक। तो यहां पर जो है, यहां आपका आएगा इश्यू ऑफ शेयर्स। ये लेंथी चैप्टर भी है, क्वेश्चन भी बड़े बड़े हैं, थोड़ा टाइम लगता है। इस चैप्टर के लिए आपको 10 डेज स्पेसिफिकली दिए हैं जिसके अंदर आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ 10, 11, 12 आपके बिजनेस स्टडी के चैप्टर आपको जो है वो फिनिश करने हैं। और आप देखिए आपका 35 डेज के अंदर जो है वो आपका बिजनेस स्टडी का कोर्स फिनिश हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पर कि जब चैप्टर 10, 11, 12 जब आप करेंगे बिजनेस स्टडी का, तो डेफिनेटली उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई लेवल पे होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली होगी और आपका प्रेशर जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप थोड़े हल्के होना स्टार्ट हो, बिकॉज एक पूरी बुक आपने कंप्लीट कर ली है। इको के केस में भी मेरी ऐसी प्लानिंग रहेगी जो मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ। इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए मैंने 10 डेज दिए और साथ में जो है वो आपको करने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अब यहां पर 10th ऑफ नवंबर के बीच में हमारा जो दीपावली वेकेशन भी आएगा, तो आप उसके बाद 5 डेज का आपने वो एडिशनल टाइम लेना है 10th ऑफ नवंबर के बाद। बीच में एक दो दिन अगर आपको दीपावली का फेस्टिवल एंजॉय करना है, क्योंकि वो भी चीज जरूरी है, अपना ध्यान कहीं और, अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो भी हमारा आउटपुट नहीं आने वाला, तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर आपको करना है डिबेंचर वाला चैप्टर, दोनों लेंथी है इसलिए डिबेंचर का चैप्टर जो है वो आपको करना है डिबेंचर। और यहां पर आपको रिवीजन की बात करूं मैं, या फिर रिवीजन के अलावा टेस्ट की बात करूं, या फिर और कुछ बच जाता है तो वो हम लोग यहां पर कर सकते हैं आने वाले 5 दिन के अंदर, या आने वाले 10 डेज के अंदर। या देखिए 5 and 10, 15, 25 and 35 और आने वाले जो आपका 10 डेज उसके अंदर रिवीजन हम लोग कर सकते हैं। कि टेस्ट सीरीज होगी तो हम लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, और साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम्स अगर आती है तो उनका सॉल्यूशन भी हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ डिबेंचर का हम लोग कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट हम बात करें तो 40 डेज के अंदर अपना कोर्स जो है वो फिनिश हो जाता है, अगर हम इस चीज को 100% फॉलो करते हो। नेक्स्ट जो आपके 5 डेज रहेंगे वो भी सेम आपके रिविजन के लिए रहेंगे, प्लस टेस्ट के लिए रह सकते हैं, और प्लस और भी कुछ थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए भी आपको रख सकते हैं नेक्स्ट 5 डेज के अंदर। और अगर इस प्लानिंग को आप डे टू डे फॉलो करते हो कमिटमेंट के साथ, गोल के साथ, तो ये 45 डेज के अंदर आप कोर्स भी कर रहे हो और साथ साथ में आप रिविजन भी कर रहे हो, साथ साथ में थ्योरी भी पढ़ रहे हो और आप कंप्लीटली कर रहे हो, और आपने 45 डेज के अंदर 2 सब्जेक्ट को जो है वो इजिली पूरा कर लिया। यानी कि ये लगभग जो प्लानिंग है वो 20 नवंबर तक आप अपना अकाउंट्स और बिजनेस को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर टाइम बचता है तो हम लोग इको भी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा पता है ये इनके अंदर भी हम लोग जो 2 सब्जेक्ट है उसके बीच में टाइम बचेगा, क्योंकि 20 नवंबर के बाद आने वाले जो है हमारा 10 दिन 21 से 30 नवंबर, उसके साथ साथ दिसंबर के 5 से 7 दिन जो अगर आपने हार्ड फेल लिए, जो स्टेट बोर्ड वालों के दिसंबर में हार्ड फेल होते हैं, तो वो टाइम हम लोग सीयूटी की जो हमारी तैयारी उसके अंदर भी दे सकते हैं। और जब ये कंप्लीट होता है तो सीयूटी के कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम इजीली इसको भी कर सकते हैं, और ये प्लानिंग के थ्रू अपन कर सकते हैं। उसके बीच में मेरा यूट्यूब पे वीडियोज भी आती रहेगी, और उन वीडियोज की हेल्प से भी आप इजीली अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो और अपने कोर्स को पूरा कर सकते हो। तो बच्चों आई होप कि ये जो मैंने प्लानिंग दी आपको 45 डेज की आपको समझ में आ गई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने बताया उसको आप रिलीजियसली फॉलो करोगे और 45 डेज के अंदर आप दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करोगे, आने वाले एग्जाम्स के अंदर इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आप लोग लाने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसको लाइक करें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर करें, और मुझे साथ साथ में कमेंट भी करें ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। और भी कोई वीडियोस अगर आपको चाहिए किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, किसी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए भी लेके आऊंगा। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना विनाश है।